The special screening of the Abhishek Saxena directorial Phullu was attended by the cast and crew of the film and others. आज स्क्रीनिंग है और जितना हम लोगों ने जो 2014-15 से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं आज फाइनली सब देख रहे हैं और आज जो तो 2014 से इन लोगों ने स्क्रिप्ट पे काम किया 2015 में मैंने ज्वाइन किया इनको और उसके बाद 2016 में मैंने किया इन्होंने किया अब 17 में हम सब मिलके आपके साथ फिल्म को लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मतलब अंदर उथल पुथल मची है और मतलब समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मतलब मुझे लग रहा है कि आज आज मेरे भी पीरियड आ जाएंगे ऐसा लग रहा है एक्साइटमेंट है नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है यार आई होप कि लोगों को पसंद आया मतलब बड़े दिल से बनाई है पिक्चर एंड बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है आई होप पहुँचे और प्यार लगे हर चीज़ को हम पॉजिटिवली लेंगे क्योंकि अब हमने तो बना दी अपनी चीज़ सबको पसंद आती है अब मेन जो है वो जो जिन लोगों को दिखा रहे हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग्स रखी हैं अब उन्हीं से असली ऑडियंस तो वही हमारी एक प्रोड्यूसर अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लेन कर सकता है बाकी डायरेक्टर पे डिपेंड करता है वो कैसे दिखाए उसको एक्टर्स पे डिपेंड करता है कैसे एक्ट करे तो यस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन लोगों ने सब ने बहुत अच्छा काम किया आई एम हैप्पी बाकी लेट्स सी के ऑडियंस को कैसा पसंद आता है बाय द एंड ऑफ इट वही क्या कहते हैं जनता जनार्दन राइट वही वही भगवान है वही भगवान है वो हमारा दर्द समझे और जाके थोड़ा हेल्प करे हमें 100% वेरी वेरी रेलेवेंट फिल्म स्पेशली शारे भाई जब भी किसी फिल्म में होते हैं 99% ऑफ फिल्म रेलेवेंट ही होती हैं बहुत रियल होती हैं बहुत ऑर्गेनिक होती हैं आई डोंट नो हाउ ही मैनेजेस टू कैच होल्ड ऑफ दीज रोल्स जो बहुत ज़्यादा यू नो नेचुरल और क्लोजर टू लाइफ होते हैं एंड आई रियली वॉन्ट टू डू स्टफ व्हिच इज डूइंग आई एनवी हिम सोनी पे आपने होस्ट किया एक शो मिस्टर सलमान खान के साथ और वो कैसा नो 2 घंटे का शो है शायद और पूरे देश भर में सबसे बड़ा सुपरस्टार सलमान खान है यू नो वो उनकी ऑरा से पता लगता है कि ये सलमान खान है उनकी आंखों से ऐसा लगता है वो सामने आते हैं एक हवाएं चल रही हैं सो आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर दैट इज़ वेल लेकिन उनके साथ शूट करने में जो मज़ा आया है मैं और वो दोनों हंस हंस के आंखों से आंसू आ गए थे एंड सुनील ग्रोवर आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स वी हैव इन आवर कंट्री कोई एक ऐसा इंसान पूरी इंडस्ट्री में अगर आप मुझे बता दें सुनील ग्रोवर के अलावा जो स्टेज अकेला संभाल सकता है 2-3 घंटे तक मेरे दिमाग में और किसी का नाम नहीं आता इट्स ओनली सुनील भाई आई हैव नोन हिम फॉर 15 years नाउ ही इज़ वेरी क्लोज टू माई फादर एज वेल तो मैं उनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करता हूँ आई डिड दैट शो ओनली फॉर सलमान भाई एंड सुनील भाई कपिल शर्मा के शो से इस बार ये शो पे सलमान आए तो दैट मेक्स दिस शो और बिगर वेल देखो सलमान भाई जिस शो पे हैं वो शो बड़ा है ही है और आई थिंक कपिल भाई एंड सुनील भाई बोथ आर रियली टैलेंटेड पीपल और दोनों में मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है बैक इन द डे उन्होंने दोनों ने एक साथ भी हंसाया आई एम टोटली श्योर कि जब वो अलग 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 प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब भी हमें उतने ही हंसाएंगे तो हम तो एज ऑडियंस हंसने के लिए बैठे हैं सो पता चला है कि कोई नया शो शुरू कर रहे हैं सुनील ग्रोवर आई हैव नो आईडिया एट ऑल आई हैव नो आईडिया एट ऑल इतने सारे 2 घंटे में कुछ तो बता के जाइए ऐसा क्या न्यूज़ में भी आ हाँ, जल्दी आने वाला है कुछ आने वाला है कुछ आने वाला है शायद कुछ आने वाला आप भी हैं उसमें नहीं मैं नहीं हूँ सर मैं नहीं हूँ मैं उस शो में सिर्फ इसलिए था क्योंकि सलमान भाई वहाँ पे थे ट्यूबलाइट को लॉन्च करने था प्रमोट करना था साथ में तो मुझे लगा कि ये सब लोग बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है सुनील भाई सलमान भाई यू नो अली अजगर एवरीवन सोहेल भाई दे आर गेटिंग टुगेदर एंड मुझे उन्होंने बोला कि शो होस्ट करेंगे अब मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा सलमान भाई को कौन ना बोल सकता है